तो एक रियलाइजेशन बीच में ये हुआ कि कंटेंट मेकिंग में मुझे जंप नहीं करना है आई एम नॉट वेरी गुड एट इट और इसमें मेरा बहुत टाइम जाता है तो आज मैं पी पी टी डालूँगा किताब की मदद ली है मैंने नोट्स हैं ही और मैं वहीं से डायरेक्टली पढ़ाऊँगा एनी वे इतना सब कहने के बाद अब हम लोग एक लंबे अरसे से जो क्लास रुकी हुई उसको चालू करते हैं सातवाना फेज पढ़ते हैं जब तक हम पिछली क्लास कर रहे थे तो आपको याद होगा कि हमने ये डिस्कस किया था वन मिनट ओके okay. हाँ तो जब तक हम पिछली क्लास कर रहे थे तो आपको याद होगा हमने मॉरियन एम्पायर डिस्कस किया था याद है आपको थोड़ा थोड़ा शायद सतयुग में ऐसा हुआ था अब तो कलयुग आ गया लंबा टाइम बीत गया तो मॉरियन एम्पायर हमने डिस्कस किया था मॉरियन एम्पायर कैसे खत्म हुआ मॉरियन एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ हमने देखा था जब ये भारत में मॉरियन एम्पायर जो है वाइंड अप होता है एंड थैंक यू फॉर रिली वेटिंग सारे लोग जो साथ दे रहे हैं उतार चढ़ाव में नोबल पीपल आई विल डू समथिंग फॉर यू ठीक है क्योंकि जरूरी है एनी वे मौरन एम्पायर के बारे में आपने पढ़ा था तो मौर्य एम्पायर कहां पे था हुँ? कहां पे था नॉर्थ इंडिया में था वेरी ऑब्वियसली मगध के एरिया में था बिहार के एरिया में था लेकिन वहां से लेके वो साउथ के जो डेक्कन पेनसुला है वहां तक कहीं ना कहीं रूल करता था जो नर्मदा तापी के रिवर्स हैं उसके भी थोड़ा नीचे तभी तो मौर्य एम्पायर के किंग अशोक कहते हैं कि मेरा जो बॉर्डर है उस बॉर्डर के बाहर मेरे कुछ करीबी लोग हैं जैसे कि साउथ का चेरा चोला पांड्या तो जब वो उनको बाहर का मान रहे हैं अपना तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं डेक्कन तक इम्पैक्ट तो होगा तो डेक्कन तक इम्पैक्ट था तो जो चीजें मौर्यन एम्पायर के पटना वाले एरिया से सिविलाइजेशन के लिए सिखाई जा रही हैं जो पॉटरी सिखाई जा रही है वो उसका कहीं ना कहीं एक सिविलाइजेशन कल्चर का इम्पैक्ट डेक्कन में भी जाएगा इफ यू वॉन्ट टू ड्राई मैप अगर यहाँ पे मौर्यन एम्पायर है और यहां तक फैला हुआ है तो इनका थोड़ा थोड़ा सिविलाइजेशन का इंपैक्ट यहां भी जाएगा तो ये जो पूरा पूरा है तब तक यहां के लोग अपनी पार को असर्ट नहीं कर पाएंगे लेकिन जैसे ही मॉरेन एंपायर जाएगी तो डायरेक्टली नहीं हो जाएगा मॉरेन एंपायर जाएगी तो उसके बाद शुंगर डायनेस्टी आएगी शुंगा के बाद कानवा डायनेस्टी आएगी और कानवा डायनेस्टी के बाद भी थोड़ा लगभग 100 ईयर्स का गैप लगेगा और उस गैप के बाद यहां पे एक डायनेस्टी डेवलप होगी दैट विल बी नोन है सातवाहना डायनेस्टी अब प्रॉब्लम क्या है सातवाहना डायनेस्टी के बारे में दो कन्फ्लिक्ट है कन्फ्लिक्ट नंबर वन हमारे पुरानों में आंध्रा डायनेस्टी मैंशन है ओके हमारे पुरानों में सातवाहन मैंशन नहीं है आंध्र लोग मैंशन कुछ लोगों का कहना है कि पुरानों में जो आंध्र लिखा हुआ है दैट इज एक्चुअली फॉर द सातवाहन डायनेस्टी नंबर वन पुरानों में कहीं भी सातवाहन नहीं लिखा हुआ है लेकिन जो लड़ाइयों का वर्णन है इनफैक्ट चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में कोई बैठा हुआ वो भी कह रहा है कि यहां पे कहीं ना कहीं छोटी सी एक डायनेस्टी डेवलप हो रही है लंबे टाइम से तो हो सकता है इनको दो तीन सौ साल लग गया डेवलप होने में तो पुरानों में आंध्र लिखा हुआ है कुछ लोगों का मानना है कि जो पुरानों का आंध्र है दैट इज डिड टू द सेम टर्म फॉर सातवाहन डायनेस्टी लेकिन कुछ लोग इससे अग्री नहीं करते तो पहला ये हो गया उसको समझ गए हम दूसरी बात थोड़ा इनका एरा, एरिया देखिए ना थोड़ा एरिया देखिए इनका सब ठीक है ना कैन यू सी दिस ये पूरा का पूरा एरिया क्या है महाराष्ट्र है मालवा है काठियावाड़ पेनसोला है गुजरात का ये पूरा का पूरा एरिया अपर डिक्कन है लेकिन इसमें अमरावती भी आ रहा है वही अमरावती जो आज कैपिटल बनने के कगार पे है आंध्र प्रदेश के उसमें जो है आप देखें कि नीचे का ये तेलंगाना का एरिया भी आ रहा है तो जब ये पूरी डायनेस्टी यहाँ पे रहेगी तो क्या ये विवाद नहीं होगा कि ये लोग डेक्कन से आए थे या मॉरियन एम्पायर की साइड से आए थे या फिर इधर से आए थे नीचे से आए थे कि ऊपर से आए थे तो जब आप तमिलनाडु की बुक पढ़ने जाएंगे ना क्लास इलेवन की तो वहाँ पे क्या लिखा रहेगा चूंकि वो तो तमिल बुक है तमिलनाडु की बुक है तो वहाँ लिखा रहेगा कि सातवाहन डायनेस्टी की जो शुरुआत है ना यहाँ से हुई थी आंध्र प्रदेश से और वो पुरानों को याद भी करा देंगे कि पुरानों में तो आंध्र लिखा हुआ है लेकिन ओवरऑल एग्रीमेंट ये है कि सातवाहन डायनेस्टी की शुरुआत यहां से हुई थी महाराष्ट्र के एरिया से मैं दिखाऊंगा लोकेशन से हुई थी और धीरे धीरे सातवाहन डायनेस्टी साउथ तक जाता है ये उनका हम मानते हैं कि ये अंडरस्टैंडिंग है तो ओल्ड एनसीआरटी जो मेरा सोर्स है वो कहेगा ये यह डायनेस्टी यहां डेवलप हुई तमिलनाडु पढ़ेंगे तो ये यह डायनेस्टी यहां डेवलप हुई हम किस पे अग्री करेंगे ओल्ड एनसीआरटी पे ठीक है वही ज्यादा मान्य है ये सब चीजें आपको डिबेट में नहीं जाना है एक ओके फाइन एक और कॉन्सेप्ट बनाते हैं डू यू रिमेंबर हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे काफी पहले रुद्र दमन के बारे में रुद्र दमन कौन था शाक डायनेस्टी शाक डायनेस्टी एक ब्रांच ऐसे आती है एक ब्रांच ऐसे जाती है ये शाक रूलर लंबे टाइम से लड़ रहे थे भारतीय लोगों के साथ जब यहाँ पे सातवाहन डायनेस्टी डेवलप होती है तो उनका कंफ्लिक्ट थोड़ा बहुत तो उनसे लड़ाई हो ही जाएगी तो कभी ये शाक को हरा देंगे और कभी शाकिन को हरा देंगे तो ये चलता रहेगा दोनों के बीच में कंफ्लिक्ट होता रहेगा अगर कोई महान राजा आ गया सातवाहन डायनेस्टी का तो वो शाक डायनेस्टी वालों को हरा देगा शाक वाला महान आ गया तो इसको हरा देगा तो रुद्र दमन वगैरह का कंफ्लिक्ट चलेगा उसको भी हम देखेंगे इतना हो गया नेक्स्ट सातवाहन डायनेस्टी का कैपिटल कहां पे था अभी आप चले जाइए महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में औरंगाबाद तो गजब की चीज ही है औरंगाबाद में अजंता भी है एलोरा भी है बीबी का मकबरा भी है औरंगाबाद में पता नहीं क्या क्या है औरंगाबाद में औरंगाबाद में एक जगह है उसका नाम है पैठन आज पैठन है कभी इसको प्रतिष्ठान भी कहते थे यहाँ पे उन्होंने अपना कैपिटल बनाया धीरे धीरे साउथ की तरफ जाएंगे तो वारंगल वगैरह भी पहुँचेंगे उधर भी जाएंगे लेकिन मेनली कैपिटल कैपिटल जो था यहाँ था सातवाहन डाइनेस्टिक सातवाहन का मीनिंग क्या होता है एक बात बताइए सन गॉड के माइथोलॉजी में कितने वाहन माने गए हैं मतलब कितने रथ माने गए हैं बताइएगा मुझे सन गॉड के माइथोलॉजी में आप बताइए मुझे कितने रथ माने गए हैं मतलब कितने हैं छः सात आठ कितने हैं चलिए वो आप बता दीजिएगा और वाहन का मतलब आप जानते हैं अब इस सातवाहन टर्म का कहीं भी कोई कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं है इस पर डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग है कि सातवाहन का मीनिंग ये है ये मीनिंग, है ये मीनिंग है ये मीनिंग है तो उसमें भी हमें नहीं जाना है इतना कुछ सब कुछ अब जब आप समझ गए तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं लेट्स स्टार्ट ओके ओके वी हैव है हाँ आर एस शर्मा यहां शिवेंद्र हो जाएगा ओके okay. अच्छा शिवेंद्र इज नेमो नेमो सिंह ठीक है लेट्स स्टार्ट आई विल जस्ट हाँ डिफरेंट uh, इसको हमने टॉपिक में डिवाइड किया है ये सीधे सीधे ओल्ड एन का कॉपी पेस्ट है तो नो no इश्यूज वही नोट्स है मेहनत थोड़ी कम पड़ेगी तो क्लास कंप्लीट होगी कंटेंट बनाऊंगा एक दिन बैठ के तो फिर क्लास कब लूंगा और भी क्लासेज हैं तो पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ेंगे सबसे पहले उसके बाद इनका मटेरियल कल्चर पढ़ेंगे फिर ये पढ़ेंगे कि रिलीजन क्या फॉलो करते थे रिलीजन ये लोग बुद्धिज्म को भी फॉलो करते थे हिंदुज्म को भी फॉलो करते थे तो जो बुद्धिस्ट मॉन्क है वो कहेगा कि ये लोग तो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे और जो हिंदू लोग हैं वो कहे कि नहीं ये तो बिल्कुल हिंदू को फॉलो करते थे दोनों अपने अपने प्रूफ दे, दे देंगे दोनों अपने अपने डायनेस्टी में एक एक रूलर को दिखा देंगे ये सब चलता रहता था धर्म वाले हमेशा है कि हमको पेट्रोनेज है हमको पेट्रोनेज करते रहते थे मेरा मैं मेरा मैं करते रहते थे अच्छा भाई देवे ये सातवाहन डायनेस्टी जो थी ब्राह्मण थे सारे दिस वॉज नॉट ए क्षत्रिय डायनेस्टी कभी कभी हम पढ़ते हैं हिस्ट्री में पुष्यमित्र सुंग नॉट ए क्षत्रिय डायनेस्टी ब्राह्मण डायनेस्टी राइट सुंग ही ना पुष्यमित्र सुंग ही ना मेरे हिसाब से यस खैर तो ऐसे सातवाहन डायनेस्टी भी ब्राह्मण डायनेस्टी थी और ये अपने आप को क्षत्रिय जैसा डिक्लेयर करने के लिए ऑब्वियस है कि यज्ञ वगैरह भी कराएंगे कि नहीं अब क्या है ना कि धर्मों में लिखा हुआ है कि क्षत्रिय का काम है रूल करना अब ब्राह्मण राजा बन गया तो क्या कर गया ब्राह्मण कोई राजा बन गया तो किसी ने क्वेश्चन कर दिया कि नहीं वेदों के हिसाब से तो तुम रूलर नहीं हो सकते तो बोला ले आवश्यवैद दिया कि दौड़ाता हूँ अभी कर देता हूँ मैं करा दो राज हो गया मेरा ये चलता रहता था ये कन्फ्लू शिवाजी को भी फेस करना पड़ा था अच्छा ठीक है यहाँ पे थोड़ा सा विकिपीडिया से कुछ दिखा दूँ चीज़ें एक लोकेशन पढ़ाऊंगा आपको ये लोकेशन है नानी घाट ओके वन सेकेंड मार्कअप कर लूँ हाँ लोकेशन का नाम है नानी घाट नानी घाट ना बहुत पुरानी जगह ये एंशियंट जो ट्रेड रूट था साउथ में था सिल्क रूट का पार्ट नहीं है ये भारत का मैप जब ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे महाराष्ट्र है ये इस एरिया में और ये पूरा का पूरा कोस्ट है बीच में वेस्टर्न देखिए कोस्टल प्लेन है ना जहाँ पे सी आएगा उसके पहले तो वेस्टर्न घाट की पहाड़ियाँ हैं तो वेस्टर्न घाट की पहाड़ियाँ ऐसे सिचुएटेड हैं और इधर हल्का सा प्लेन है जिससे आप निकल के सी में जाएंगे और फिर इधर पूरा का पूरा डेक्कन पेनिसला है ये आप जानते हैं ना वेस्टर्न घाट जो है पहाड़ियां वो ओरोग्राफिक रेन करवाती हैं तो ये पूरा का पूरा एरिया जो है बीच में पहाड़ियां हैं और इधर जो है डेक्कन प्लेटू है इधर जो है वेस्टर्न घाट का नीचे जो है समुंदर है पूरा तो कहीं ना कहीं कोस्टल एरिया को डेक्कन प्लेटू से कनेक्ट करने के लिए पासज भी तो होने चाहिए ना तो लेफ्ट साइड में दैट मीन्स कि मेरे वेस्ट साइड में कोस्ट है कौन सा कोस्ट होगा बताइए आप बता देंगे कोंकन कोस्ट और इधर डेक्कन प्लेटू तो डेक्कन प्लेटू और कोंकन कोस्ट को कनेक्ट करने वाले कई सारे पासेज हैं हमारे भारत में महाराष्ट्र वगैरह के एरिया में उसमें से एक पास है, है ये वाला नाने घाट नाम क्यों पड़ा है नाने घाट आपको पता आगे बताऊंगा घाट का तो मतलब घाट होता है नाने का मतलब होता है क्वाइन इस एरिया में चूंकि ट्रेड बहुत ज्यादा होता था तो क्वाइन बहुत ज़्यादा पाए जाते थे इसीलिए उसका नाम नाने घाट पड़ गया नाने घाट में देखिए बहुत चीज़ें हैं लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इस सातवाहन डायनेस्टी की एक रूलर की पत्नी ने या माँ ने वहाँ पर एक इंस्क्रिप्शन बनवाया था एंड दैट इज़ वेरी फेमस ये वाला इंस्क्रिप्शन आपको कई जगह इमेज में दिखता होगा थमनल में भी डला हुआ है इट इज़ वेरी प्रोमिनेंट एकदम विजिबल है इंस्टाग्राम पे लोग रील बनाते थे तो यहाँ भी पहुँच जाते थे तो उनका क्या है तो ये नाने घाट है नाने घाट देखिए लिखा हुआ है क्या कोंकण कोस्ट को और एंशियंट टाउन जुन्नार को कनेक्ट करता है सो वाई नॉट सी जुन्नार टाउन कहाँ पे है डेक्कन प्लेटो में डेक्कन प्लेटो में हर जगह खुद नहीं कनेक्ट करेगा ना कोई लोकेशन होगी तो दैट इज जुन्नार जुन्नार कहाँ है पुणे डिस्ट्रिक्ट में है एंशियंट टाउन है मैप पे देखेंगे तो ये पड़ेगा सो इफ आई ड्रॉ रफली दैट विल मीन कि यहाँ पे क्या है नाने घाट पास है ये जुन्नार टाउन है ये डेक्कन के साइड का हो गया और इधर आपका कोस्टल प्लेन कौन कौन हो गया इजी ओके नानेघाट घाट जो है तो किसने एग्जैक्टली बनवाया था ये पता नहीं है लेकिन हमें इतना पता है कि सातवाहन डायनेस्टी के दौरान बना था तो यहीं पे सातवाहन डायनेस्टी का जो एरा है लिखा हुआ है देखिए 200 हंड्रेड बी से 190 नाइन्टी एडी के आसपास इसको मानते हैं ओके 300 साल के आसपास हो गया तीन चार सौ साल हम्म इसके एक बहुत बड़े रूलर थे सतकर्णी कई लोगों के नाम में यहाँ पे लिखा रहेगा सतकर्णी और अच्छा भाई वे एक और चीज़ बतानी थी जैसे एक नाम है यहाँ पे गौतमी पुत्र सत्कर्णी तो मैं आपको ये क्लेरिफाई कर दू ये न्यू एनसीआर में लिखा हुआ है ओल्ड में भी हर जगह लिखा हुआ है बट एक क्वेश्चन आया था आपका ग्रुप में तो यहाँ पे गौतमी पुत्र लिखा हुआ है तो किसके लिए लिखा हुआ है ये लिखा हुआ सतकर्णी के लिए सतकर्णी की माता गौतमी है तो गौतमी के पुत्र हुए सतकर्णी तो यहाँ पे ये कन्फ्यूजन नहीं होना है कि पूरी की पूरी सोसाइटी जो थी मैट्रियार्कल थी कि मम्मी क्वीन बनेगी उनका बेटी क्वीन बनेगी समथिंग लाइक दैट कि इनहेरिटेंस जैसे कि आपके नागालैंड वगैरह में होता है या केरल में कुछ जगह होता है नथिंग लाइक दैट ये ना मैट्रिलिनियल मतलब बस नाम का नाम में डालते हैं मम्मी का नाम तो यू कैन से कि मैट्रीलियल है बट इट्स नॉट मैट्रियार्कल समथिंग लाइक दैट वो आगे आ जाएगा एक्सप्लेनेशन में तो नाम में डलेगा प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं होगा मम्मी टू मम्मी बनेगा राजा लड़का ही तो कहने को बस बुद्धू बनाने के लिए ऐसा नाम रखते थे सब ओके okay. इसके पहले मैंने बोला था कि शुंग डायनेस्टी थी और कनवा डायनेस्टी थी तो शुंग डायनेस्टी का एरा क्या था देखिए सेवेंटी थ्री तक था एंड देन कनवा डायनेस्टी कब तक थी ट्वेंटी एट तक थी ओके okay. उसके बाद आता है सतवाहन डायनेस्टी सतवाहन डायनेस्टी का एरा क्या है सेकंड सेंचुरी बीसी से अर्ली थर्ड सेंचुरी ओके तो अराउंड ही हो गया फिर अराउंड ही हो गया इतना हम समझ लें कि मौर्य डायनेस्टी के बाद है लेट्स स्टार्ट विद द पॉलिटिकल हिस्ट्री द मोस्ट इंपॉर्टेंट कनवा तो नॉर्थ में शुंग और उसके बाद कनवा लेकिन डेक्कन में कौन आया मौर्य के बाद हम मौर्य के बाद ही हुए एक्चुअली तो नॉर्थ साइड में बिहार की साइड में शुंग डायनेस्टी आई फिर कनवा डायनेस्टी आई किसके बाद मौर्य के बाद और अगर डेकन के एरिया में बात करें सेंट्रल इंडिया में बात करें तो सातवाहन डायनेस्टी आती है मौर्य के बाद लेकिन लगभग एक सौ साल के गैप के बाद अगर मैं यहां से लेके थर्ड सेंचुरी एडी है ना एक बार मौर्य का देख लीजिए तो ये दिमाग में सेट हो जाएगा कैन यू सी वन मॉडर्न डायनेस्टी 184 एट्टी के आसपास ही मतलब उसका काफ़ी डिक्लाइन हो चुका था तो सातवाहन डायनेस्टी लगभग कहते हैं कि 100 साल के गैप के बाद आती है अभी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट इतना है कि एक गैप लगा था डिक्क्कन का सिविलाइजेशन डेवलप होने में सातवाहन सर कंसिडर टू विद द सेम एज आंध्राज ये पहले आपसे डिस्कस किया कि पुरानों में आंध्र लिखा हुआ है तो कुछ लोगों का मानना है कि आंध्र जो पुरान में हो सातवाहन के लिए ही है लेकिन कहीं भी पुरान में सातवाहन डायनेस्टी का अलग से नाम मैंशन नहीं है पुराण में बस आंध्र रूल है सातवाहन मेंशन नहीं है सो वी आर नॉट वेरी श्योर अबाउट इट ठीक कहीं भी नहीं है सातवाहन इंस्क्रिप्शन की भी बात करें तो उसमें कहीं आंध्र मेंशन नहीं है तो दोनों तो आपस में रिलेट कंप्लीटली नहीं हो पाते अगर मान लीजिए कि इंस्क्रिप्शन में ये लिखा होता है कि हम लोग आंध्र भी हैं तो हम मान लेते बट वो भी नहीं लिखा हुआ है पुरानों में ये लिखा होता है कि आंध्र जो है वो सातवाहन भी हैं तो भी हम मान लेते वो भी नहीं लिखा हुआ उ कम टू पॉलिटिकल हिस्ट्री आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि प्री सातवाहन एरा ही सेटलमेंट यहाँ पे स्टार्ट हो चुका था काफी पहले मॉरियन किंगडम के टाइम पे यहाँ पे धीरे धीरे सेटलमेंट स्टार्ट हो चुका था कुछ तरह के वेयर थे डिफरेंट टाइप के बर्तन ये आपको नहीं याद रखना नहीं समझना डेक्कन के बहुत एरिया में ऐसे बर्तन पाए जाने लगे एंड मोस्ट ऑफ दिस वे आर एसोसिएटेड विद आयरन आयरन की शुरुआत हो गई थी बहुत ज्यादा नहीं थी बट आयरन की शुरुआत हो गई थी यूज ऑफ आरन क्लोज शेयर पैडी ट्रांसप्लांटेशन ग्रोथ ऑफ अर्बनिज्म राइटिंग एटसेट्रा क्रिएटेड कंडीशन फॉर स्टेट फॉर्मेशन जब भी आपके पास आयरन हो गया तो आप जंगल साफ करोगे क्लोज शेयर है आयरन का बना हुआ है तो आप अच्छी से एग्रीकल्चर करोगे पैडी ट्रांसप्लांटेशन का क्या यूज है पैडी ट्रांसप्लांटेशन के टेक्निक में आपको पता ही है कि पहले नर्सरी में आप पैडी को चावल को रेज करते हैं फिर जाके फील्ड में डालते हैं तो आपकी जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी होती है उपज होती है वो ज़्यादा होती है अब ज्यादा आएगा धान उगेगा तो ज्यादा बेचेंगे भी आप ज्यादा खाएंगे भी तो सोसाइटी आपकी डेवलप होगी ये पूरा का पूरा एरिया गोदावरी के डेल्टा में सिचुएटेड है तो बहुत उपजाऊ जमीन है राइस बाउल भी इसको बोलते हैं तो यहाँ पे अगर बहुत धान आप पैदा करेंगे तो बेच के पैसे कमाएंगे तो एक सिविलाइजेशन डेवलप कर सकते हैं ना बिल्कुल कर सकते हैं स्टेट तो फॉर्मेशन होगा सातवाहन के अंदर अर्लीएस्ट इंस्क्रिप्शन कब की है फर्स्ट सेंचुरी बीसी की मिलती है और उसमें यह लिखा हुआ है कि दे फाइनली डिफीटेड द कन्वाज कनवा का यहाँ पे भी थोड़ा इंपैक्ट था डेक्कन में तो कन्वा को हरा के ये लोग क्या करते हैं पूरे के पूरे सेंट्रल इंडिया में पावर स्टेब्लिश कर लेते हैं गुजरात से लेके आंध्र प्रदेश के एरिया तक ओके द अर्ली सातवाहना किंग्स रूल नॉट इन आंध्रा बट इन नॉर्थ महाराष्ट्र पहले भी ये बताया कि ओल्ड एन में ये लिखा हुआ है कि लोग महाराष्ट्र से साउथ गए थे इसलिए ये ओल्ड एन सियाटी क्लेरिफाई कर रहा है कि नहीं जो तमिलनाडु में लिखा हुआ है ना कि अर्ली सातवा किंग्स रूल इन आंध्रा दैट इज रॉन्ग क्योंकि अर्लीस्ट क्वाइन जो है वो इसी एरिया में मिले हैं नाने घाट के आसपास मिले हैं अपर गोदावरी वैली में अच्छा गोदावरी की बात आ गई <coughs> गोदावरी की बात आ गई कैसे छोड़ दे का भी तो क्वेश्चन सॉल्व करना है गोदावरी का अच्छा मैप नहीं दिया एक चीज बस बता देता हूं ये थोड़ा दिमाग में रहे गोदावरी इज इंडिया सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर गंगा के बाद ये आपको पता है ये दिमाग में रहे नहीं पूछा जाएगा बट फिर भी यू शुड हैव एन आइडिया थर्ड लार्जेस्ट बेसिन इन इंडिया कवरिंग टेन परसेंट ऑफ इंडिया टोटल ज्योग्राफिकल एरिया टेन परसेंट गोदावरी की शुरुआत कहाँ से होती है एक ज्योतिर्लिंग आप जानते हैं त्रम्बकेश्वर त्रम्बकेश्वर नासिक में पड़ता है महाराष्ट्र में वहीं गोदावरी का सोर्स है वहाँ से गोदावरी महाराष्ट्र में निकल के त्रम्बकेश्वर से निकल के तेलंगाना जाएगी आंध्र प्रदेश जाएगी छत्तीसगढ़ भी जाएगी एंड देन उड़ीसा जाएगी ये सारे नहीं इसका बेसिन है ओके बेसिन है बेसिन है वन सेकेंड बेसिन है यहां पे आपको मैप दिखेगा थोड़ा ये नासिक से निकल के ऐसे जा रही है इसका बेटर मैप में निकाल देता हूँ बाय द ये आपको बता दूं ये जो प्रतिष्ठान नाम की जगह मैंने बोली ना पैठन वो गोदावरी के कोस्ट पे सिचुएटेड है गोदावरी पे ही सिचुएटेड है वो भी तभी तो इनका कैपिटल बना था बेटर यही है हाँ दिस इज गुड ना, दिस इज गुड वेरी सिंपल अब यहां पे तेलंगाना आता है अब तो ऊपर और फिर ये आंध्र प्रदेश आता है तो यू कैन सी महाराष्ट्र तेलंगाना आंध्र प्रदेश का एरिया हुआ ठीक है ओके okay. आज एसी काम नहीं कर रहा मेरा इसलिए थोड़ा सा अन हाँ, हम कहा थे गोदावरी महाराष्ट्र क्वाइन इंस्क्रिप्स हाँ तो महाराष्ट्र के एरिया में अर्लीस्ट क्वाइन मिले हैं इंस्क्रिप्शन मिले है। तो हम यही मान के चलेंगे कि यहीं से डेवलप हुए थे ये लोग उसके बाद साउथ गए थे ग्रेजुअली सातवाहन किंगडम ने कर्नाटक आंध्र प्रदेश में भी अपने पर फैलाए वहां तक भी पहुंच गए और इनके ग्रेटेस्ट कॉम्पिटिटर कौन थे वेरी वेल नोन शाका डायनेस्टी क्योंकि शाका डायनेस्टी अपना कहीं ना कहीं इम्पैक्ट गुजरात से बढ़ के अपर डेकन तक पहुँच गए थे वेस्टर्न इंडिया तक तो थे ही पहले से तो कन्फ्लिक्ट होगा ही और एट वन स्टेज इन्होंने शाक लोगों ने सातवाहन डायनेस्टी को रिप्लेस कर दिया था हटा दिया था वहाँ से महाराष्ट्र से वेस्टर्न इंडिया से जब हटा देंगे तो कहाँ जाएंगे बेचारे साउथ जाएंगे आंध्र प्रदेश के एरिया में फिर ये लोग ऊपर आ जाते हैं फिर हार जाते हैं जीत जाते हैं ये चलता रहता है लेकिन इसमें सबसे बड़ा अगर कोई खतरनाक किंग था जिसने ये सारे का बदला लिया शक डायनेस्टी से दैट पर्सन वाज गौतमी पुत्र सत्यर्णी जिसके लिए अलग से भी मैंने पेज खोल के रखा था इनकी माता का नाम गौतमी था इसलिए गौतमी पुत्र सत्य होगा वो कॉल्ड हिमसेल्फ द ओनली ब्राह्मण क्या मतलब है इसका उन्होंने बोला कि मैं ही एक ब्राह्मण हूँ बाकी कोई ब्राह्मण है ही नहीं मैं ही असली ब्राह्मण हूँ एट द सेम टाइम आई विल रूल ऑल्सो ही डेस्ट्रॉयड मेनी क्षत्रिय रूलर्स बोला कि सब क्षत्रिय को हरा दूंगा ये कौन से रूलर हैं मैं जीतूंगा और वहां पे एक साक डायनेस्टी का वहां पे लीनियज था जो आपको याद नहीं रखना है उसको भी हरा वरा के सबको सेटल करा देते हैं ओके ये चीज प्रूव कैसे होती है मजेदार बात यह है कि इस पूरे एरिया में नासिक के एरिया में त्रम्बकेश्वर के एरिया में एट थाउजेंड सिल्वर कॉइंस मिले हैं किसके मिले हैं साक लोगों के नहा पना के मिले हैं फिर आप बोलेंगे जब नहा पना के मिले हैं साक लिनियज के मिले हैं तो फिर इससे ये कैसे प्रूव होता है कि गौतमी पुत्र सतकर्णी ने हरा दिया था क्योंकि सारे आठ हजार सिल्वर क्वाइन पे इसने उसको मार मार के थूर थूर के अपना नाम खुदवा दिया तो इसे पता चलता है कि उसके सारे क्वाइन को मतलब भ्रष्ट करके अपना नाम जिसने लिखवा लिया तो उसका हो गया एट सिल्वर क्वाइंस ऑफ नहा फाउंड इन नासिक बियर द मार्क्स ऑफ हैविंग बीन रियस्ट्रक्ट थूर-थूर के है। बाई सातवाहना के ही ऑल्सो ऑक्यूपाइड मालवा एरिया काठियावाड़ इंदौर का जो एरिया है महाराष्ट्र का दैट इज योर मालवा एरिया उज्जैन का एरिया एंड काठियावाड़ पेनिनसुला तो आप जानते ही आपके गुजरात के एरिया में है ओके okay? वो सारे शाखा के कंट्रोल में थे उन्होंने ले लिया इसके अलावा भी गौतमी पुत्र सतकर्णी ने अपना कर्नाटक तक फैला लिया साउथ तक फैला लिया आंध्र प्रदेश तक फैला लिया राज तो आप समझ सकते हैं कि इसके बहुत बड़े राजा अच्छा बाय द वे आपके मन में क्वेश्चन उठ सकता है कि इसके सारे किंग का मैं लिस्ट दे दू नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल इतना मत डीप जाइए क्योंकि इस पर आज भी विवाद चल रहा है कि सिमुका ने शुरू किया था कि किसी और ने शुरू किया था सो so, वो सब नहीं पढ़ना है ग्वामी पुत्र सतकर्णी समझ गए उसकी शाख से लड़ाई समझ गए नहापना को उसने हराया सिक्के पे फिर से रियस्ट्रक किया कैपिटल कहाँ है दैट इज मोर देन एनअ सक्सेसर इसके वन हंड्रेड सॉरी टू ट्वेंटी ए डी तक रूल करते हैं फिर गौतमी पुत्र सतकर्ण के बाद एक बड़े किंग आए वशिष्ठ पुत्र पुलामाई। ये वशिष्ठ के पुत्र थे अच्छा वशिष्ठ क्या लड़की का नाम होता है पता नहीं मुझे नहीं पता वशिष्ठ पुत्र पुलामाई इनका नाम था एंड इसके इनके क्वाइन आंध्र प्रदेश वगैरह में भी मिले हैं तो पता चलता है कि सातवाहन किंगडम का कही कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश के एरिया तक इम्पैक्ट आ चुका था बाय द वे यही जो आपके वशिष्ठ पुत्र पुलामाई थे उन्होंने अपना कैपिटल पैठन में बनाया पैठन इस प्रतिष्ठान गोदावरी रिवर के बैंक पे औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में मैंने इसका पेज खोल रखा है लेकिन दिखाने की कोई जरूरत है नहीं औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट आप जानते ही हैं उसी में पैठन प्रतिष्ठान नाम की जगह है शाकाज रिज्यूम्ड देयर कन्फ्लिक्ट विद सातवाहनज फॉर द पोजिशन ऑफ कोंकन कोस्ट एंड मालवा तो कोंकन कोस्ट का पोर्ट सबको चाहिए मालवा की इंदौर की अलग बात है सबको चाहिए तो शाका फिर से आ जाते हैं कि हम तो अटैक करेंगे फाइनली एक शाह रूलर का महान किंग रुद्र दमन वन वन थर्टी से लेके 50 एडी के आसपास शाह रूलर सौराष्ट्र का काठियावाड़ का ही ही डिफीटेड सातवाहन ट्वाइस बट उसने डिस्ट्रॉय नहीं किया सातवाहन को क्यों नहीं डिस्ट्रॉय किया शादी कर ली बड़े बड़े लोग जो हैं अंत में सारी लड़ाइयां लड़के शादी कर लें उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है यज्ञ श्री सत्कर्णी वॉज द लास्ट ग्रेट किंग ऑफ दिस सातवाहन डायनेस्टी ही अगेन रिकवर्ड कोंकन एंड मालवा फ्रॉम द शाकर रूलर उसमें शादी वादी नहीं की अपना रिकवर करके बैठ गया ठीक है ना ये यज्ञ सतकर्णी जो था वॉज ए पैटर्न ऑफ नेविगेशन ऑल्सो तो मतलब कि नौका वगैरह भी चलाते थे एंड हिज क्वाइंस अपीयर नॉट ओनली इन आंध्र प्रदेश बट ऑल्सो इन महाराष्ट्र मध्य प्रदेश गुजरात तक के एरिया में तो पता चलता है कि ये लंबे एरिया में रूल करते थे और इनके क्वाइन पे जहाज़ बना हुआ है पानी का जहाज है नाव बना हुआ है तो इससे पता चलता है कि शिपिंग वगैरह भी करते थे नेविगेशन करते थे तो कभी ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट हैव नेवल पावर समथिंग लाइक दैट अगर बना दिया तो सब सात वाहन को मार्क ना करें इनके क्वाइन पे बना हुआ है इसके बाद धीरे धीरे किंगडम जो है 220 ट्वेंटी ए के आसपास धाराशाही हो जाता है तो ये इनका ब्रीफ पॉलिटिकल डिस्क्रिप्शन हो गया मैंने एक एक लाइन आपको पढ़ के सुनाया नाउ कम टू द मटेरियल कल्चर मटेरियल कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता बट आपको इतना जानना है कि शुरुआत में इनके पास जो मिलेगा आयरन बहुत कम मिलेगा धीरे धीरे आयरन की मात्रा बढ़ती जाएगी तो इनका मटेरियल कल्चर में आर्ट कल्चर में क्वाइन में मेटल में औजारों में लोकल सिम्टम भी हैं डिक्कन पेनसोला के कोंकन एरिया के जो है वहाँ का लोकल सिम्टम भी देखने को मिलेगा और कुछ नॉर्थ गुजरात मालवा या कह सकते हैं कि मोरन अंपायर के एरिया का इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा मेगालिथ बिल्डर भी थे ये लोग डेक्कन के एरिया में आयरन की उनकी जानकारी थी एग्रीकल्चर करते थे इनफैक्ट 200 हंड्रेड बी के पहले आयरन के जो इनके थे ना टूल वगैरह वो उतने नहीं थे बाद में धीरे धीरे जो है क्रिश्चियन एरा के आसपास वो बढ़ जाएंगे ओके फिर ये हो कि शेप एंड ऑल पे है ये आपको नहीं जानना है कि डाइगर कैसे लगाते थे नहीं लगाते थे नेक्स्ट आइए इनकी मटेरियल कल्चर में एक लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है करीमनगर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है ये आज करीमनगर तेलंगाना में ओके करीमनगर डिस्ट्रिक्ट इवन अ ब्लैक स्मिथ शॉप इज फाउंड दुकान है वहाँ पे ब्लैक स्मिथ की पुरानी खुदाई करके पता चला है ऐसी बात है सातवाहन वाहन मे हैव एक्सप्लोटेड द आयरन ओर्स ऑफ करीमनगर करीमनगर वारंगल का जो एरिया है वहाँ पे आयरन ओर मिलता था मैप पे आपको मैं करीमनगर एक बार दिखा देता हूँ क्योंकि ये लोकेशन आपको पढ़ने में ज़्यादा सुनाई नहीं देगा बट बहुत ट्राइबल पॉपुलेशन का लोकेशन है तो जानना चाहिए आपको करीमनगर डिस्ट्रिक्ट एजेंड इंडियन स्टेट ऑफ तेलंगाना हाँ ये देखिए यहाँ पे यहाँ पे तेलंगाना के नॉर्थ में यहाँ करीम करीमनगर है ओके वारंगल भी यहीं पास में है वेरी फेमस एन आई टी वारंगल इज सिचुएटेड देयर एक टाइम पे एन आई टी वारंगल पूरे देश में कम्युनिस्ट इंटेलिजेंसिया को पैदा करता था आपको पता है कम्युनिस्ट में बड़े बड़े लीडर के बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत लोग वारंगल से थे देखिए उसी के बगल में है धीरे धीरे वहां पे कम हो गया इट इज एन एंशियंट प्लेस वारंगल बहुत फेमस है ये सारे जो आप चीजें देख रहे हैं आर्ट एंड कल्चर वहीं का है काकातिया यूनिवर्सिटी क्यों क्योंकि पूरा का पूरा वारंगल का एरिया में काकतिया डायनेस्टी रहती थी काकतिया डायनेस्टी ओके तो करीमनगर आपने देख लिया वारंगल देख लिया यहां पे ये लोग थे आयरन के वर्किंग की यहां पे प्रूफ मिलते हैं मेगालिथिक तक पेज फर्स्ट मिलेनियम बीसी इतना डिटेल नहीं जानना है गोल्ड वर्किंग का भी एविडेंस है इनके अधिकार में कोलर के गोल्ड फिल्स थे कोलर गोल्ड फिल्स वही हैं जिसके बारे में आप के में सुनते हैं कोलर गोल्ड फिल्स ये आपके कर्नाटका में हुए नीचे की साइड में आज ये कर्नाटका का कोलर डिस्ट्रिक्ट है वहीं पे है तो इसी के नाम पे मूवी है के जी कोलर गोल्ड फील्ड्स तो यहां पे भी इनका वर्क मिलता है प्री क्रिश्चियन सेंचुरीज के आसपास डेट नहीं याद रखनी है बस समझ लेना और कुछ सुने ओके गोल्ड फील्ड में काम था तो कहते हैं लोग कि गोल्ड को ये लोग एज एन एक्सचेंज यूज करते थे कुछ लोगों का मानना है कि गोल्ड को धन के लिए ये लोग यूज करते थे बट बहुत ज्यादा नहीं जैसे आपने कुशाण एम्पायर ना या पढ़ा कि नहीं पढ़ा अभी नहीं अभी नहीं पढ़ा है कुशान एम्पायर आएगा तो कुशाण एम्पायर बहुत गोल्ड कॉइन डिस्ट्रीब्यूट करता है बहुत ज्यादा गोल्ड कॉइन इतना गोल्ड कॉइन नहीं यहाँ पे देखने को मिले लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि दे वर नॉट इशूअर ऑफ गोल्ड कॉइन बाई एंड लार्ज दे इशूड क्वाइंस ऑफ लेड विच इज़ फाउंड इन द डेक्कन मोस्टली लेड यूज करते थे लेड का बना हुआ क्वाइन आज भी क्वाइन में लेड यूज होता है ना आप बताइएगा आज के क्वाइन में लेड यूज होता है कि नहीं होता है सेवन hmm? हॉर्सेज ना येस दे ऑल्सो शूड देखिए और भी कुछ कुछ प्रोटीन कॉपर ब्रॉन्ज मनी एंड ऑल इतना इसमें डीप मत जाइए आ जाइए और भी मटेरियल कल्चर में कुछ है क्या पैडी ट्रांसप्लांटेशन इनकी तो शुरुआत ही हुई थी पैडी ट्रांसप्लांटेशन से उसी चीज को ओल्ड एनसीआर फिर से रिपीट कर रहा है कि पैडी ट्रांसप्लांटेशन इनको आती थी आपको क्या जानना है ज्योग्राफी के हिसाब से जानिए कि ये कृष्णा गोदावरी का पूरा एरिया है डेल्टा है बेसे. उस एरिया में पैडी का कल्टीवेशन करेंगे तो आपको जम के उपज होगी तो ये पूरा राइस पॉल का एरिया बन गया और कहीं ना कहीं किसी भी डायनेस्टी के डेवलप होने का कारण ये होता है कि उसके पास उपज कितनी हो रही है मॉरियन डायनेस्टी गंगा का एरिया ये भी बहुत जो है उपजाऊ जमीन है ओके पीपल ऑफ डेक्कन ऑल्सो प्रोड्यूस्ड कॉटन कॉटन का फील्ड भी है तो कॉटन तो आपको पता ही है ना कॉटन हड़प्पा के सिविलाइजेशन के टाइम से भारत में पाया जाता है कॉटन hmm. की कमी नहीं है अच्छा लेट मी नो इन द रिसेंट फाइनेंशियल ईयर और द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 2022 थाउजेंड वाला जो है तो इंडिया वॉज ए नेट इम्पोर्टर ऑफ कॉटन और नेट एक्सपोर्टर ऑफ कॉटन चलिए आप आपसे क्विज है ये कि मे भी अपने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा हो, हो सकता है आप मेहनती इंसान हो तो 2022 से लेके 2023 का जो ये आपका फाइनेंशियल ईयर था उसमें आप ये बताइए कि इंडिया कॉटन का नेट इम्पोर्टर था कि एक्सपोर्टर था अच्छा ये बताइए सुगर का इंडिया नेट इंपोर्टर था कि एक्सपोर्टर था और ये भी बताइए कि राइस का इंडिया नेट इंपोर्टर था या एक्सपोर्टर था बताइए तीन चीजें कॉटन सुगर राइस यू कैन राइट कॉटन इंपोर्टर एक्सपोर्टर जो भी आपको लिखना है सुगर इंपोर्टर एक्सपोर्टर आप बताइए थोड़ा सा चेक हो जाएगा कौन पढ़ रहा है तो डेक्कन में रूरल इकोनॉमी वगैरह डेवलप हो गई एक प्लीनी है प्लीनी आंध्र किंगडम के बारे में वर्णन करता कहता है कि इनके पास एक लाख की सेना थी दो हजार की कैबलरी थी एक हजार एलिफेंट थे हु द एल्डर डू यू नो अबाउट हिम प्लीनी द एल्डर वॉज ए रोमन ऑथर नेचुरलिस्ट नेचुरल फिलोसफर नेवल आर्मी कमांडर तो रोमन इंसान था घूमता रहता था नेवल एक्सपेडिशन वगैरह करता रहता था हिस्ट्री वगैरह लिखता रहता था देखिए उसी काल का है यह कंटेम्प्रेरी है एडी ट्वेंटी थ्री से ट्वेंटी फोर के बीच में इसकी बर्थ हुई थी इसने पूरी दुनिया के बारे में लिखा ओके okay? पूरी दुनिया के बारे में लिखा मतलब उनके लिए ये एक ग्रेट पर्सन है जिसने पूरा वर्ल्ड वगैरह का बहुत अच्छा खासा ट्रेवल किया था तो प्लीन ही बताता है कि यहाँ के लोगों के पास तो गजब की सेना थी एलिफेंट था हॉर्स थे पैदल चलने वाली इन्फेंट्री थी गजब की यहाँ पे मतलब स्ट्रेंथ थी मिलिट्री स्ट्रेंथ बड़ा करता है और कुछ है और ये है कि नॉर्थ के कॉन्टैक्ट के साथ डेक्कन के लोगों ने क्वाइन को यूज करना सीखा जो ऊपर का कॉन्टैक्ट है जैसे कि शाक रूलर वगैरह से तो उनसे इन्होंने क्वाइन यूज करना सीखा साथ ही बर्ंट ब्रिक अब बर्ट ब्रिक तो हमारे हड़प्पा के सिविलाइजेशन से ये बताने की क्या जरूरत है कुएं का टाइप आर्ट ऑफ राइटिंग एंड ऑल ओके करीम नगर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है वहाँ पे आपको फायर ब्रेक ब्रिक मिलेंगे इतना डिटेल में अगेन नहीं जाना है नेक्स्ट वाले में जब क्लास लूंगा ना तो मैं थोड़ा सा ओल्ड एन सी का कुछ डिटेल हटाऊंगा क्योंकि इतना कुछ नेसेसरी नहीं है कि करीम नगर के एक डिस्ट्रिक्ट में पक्की हुई ईटे मिलेंगी ये नहीं यूपीएससी पूछेगा तो थोड़ा सा मैं इसको शॉर्ट कर दूंगा हाँ नेक्स्ट टाइम पक्का या मे बी इस नोट्स में भी मैं वो लाइन हटा के आपको दे दूँ फिर फाइनली रूफ टाइल्स मिलेंगे कुशान इसको भी नहीं पढ़ने की जरूरत है मटेरियल कल्चर और कुछ है नहीं प्लीनी 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 यही क्या कर रहे हैं देन गोदावरी कृष्णा एरिया फिर से वहीं पे इंस्क्रिप्शन मिलेंगे आपको ये जानना है कि रोमन के साथ इनके ट्रेड थे कि नहीं थे ये बी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था इस तरीके का कि रोमन क्वाइंस जो हैं कौन से डायनेस्टी में पाए जाते थे या किसके साथ रोमन का ट्रेड रिलेशन था समथिंग लाइक दैट सातवाहन का था देखिए लिखा हुआ साफ साफ इंक्रीजिंग ट्रेड इज इंडिकेटेड बाई न्यूमरस रोमन क्वाइंस फाउंड इन दतवा न्यूमरस रोमन एंड सातवाहन क्वाइंस विच अपियड अबाउट ए सेंचुरी लेटर इन द ईस्टर्न डेक्कन इन गोदावरी कृष्णा एरिया इस पूरे एरिया में रोमन क्वाइन भी थे सातवाहन क्वाइन भी थे तो कहीं कहीं एक्सचेंज हो रहा था भारत के लोगों का बहुत अच्छा था ये लोग बाहर के लोगों को अनाज बेच देते थे मसाला बेच देते थे बदले में वो लोग भर भर के गोल्ड देते थे एक टाइम पे वहाँ के विद्वान लोगों का ये कहना था कि हमारा सारा का सारा गोल्ड तो भारत ले ले रहा है और हमारे ही सिक्कों को गला के फिर अपना सोने का सिक्का जारी कर रहा है तो हमारा तो सारा गोल्ड ही खाली हो जाएगा मसाला खाना बंद करो ऐसे भी सिचुएशन आ गई थी अच्छा ऑरिजिनली ये इनको मानते कि डेक्कन के ट्राइब थे लेकिन फिर भी ब्राह्मणाइज्ड थे दर मोस्ट फेमस किंग गौतमी पुत्र सतकर्णी ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी ब्राह्मण ऑलरेडी डिस्कस हो चुका ये ओके ही बोस्टेड दैट ही हैड पुट एन एंड टू द इंटरमिक्सचर बिटवीन द पीपल ऑफ डिफरेंट सोशल ऑर्डर एकदम कास्ट सिस्टम को सपोर्ट करने वाला गौतमीपुत्र सतकर्णी इसका मतलब यह नहीं है कि सारे के सारे सातवाहन रूलर जो थे वो ये को को ही प्रमोट प्रमोट करते करते थे करते थे वर सम रूलर्स जो कि बुद्धिज्म लेकिन हार्म किसी को नहीं करते थे हार्म किसी को नहीं करेंगे ओके ये सब करने के बाद हम लोग आते हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन पे सोशल ऑर्गेनाइजेशन पे अच्छा ये सारा जो है गौतमी पुत्र सतकर्णी ने बोला कि जो डिसऑर्डर हो गया कास्ट सिस्टम उसको मैं फिर से ऑर्डर मिला देता हूँ क्यों क्योंकि शाक लोग बाहरी थे ना उनका इन्फिल्ट्रेशन हुआ तो ब्राह्मणेशन हुआ तो कुछ लोगों ने क्षत्रिय पकड़ लिया कास्ट कुछ लोगों ने ब्राह्मण पकड़ लिया तो काफी इंटरमिक्सचर हो गया तो उसको वो बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक कर दूंगा और शाक लोगों को हराता भी है ओके द द द ऑफ इन सोसाइटी छत्रिया वॉज फैसिलिटेटेड बाई इंटर मैरिज बिटवीन शाका एंड सातवाना फिर शादी करके उनको जो है आपस में अपना भी लेते हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडर्स सपोर्टेड बुद्धिस्ट मॉन्क इट इज सजेस्टेड दैट ट्रेडर्स टू सपोर्टेड द बुद्धिस्ट मॉक फॉर द अर्लीस्ट केव सिम टू हैव बीन अब इसका मतलब क्या है पहले के जो केव वगैरह आप देख रहे हैं ना कोई घाट वगैरह पे जो केव बन रहा है उस पर जो इंस्क्रिप्शन बन रहा है जो पूजा अर्चना की जगह बन रही है तो इट वॉज नॉट लाइक की ओनली किंग ये चीजें बनवाता था उस टाइम के जो ट्रेडर थे उस रस्ते से गुजर रहे उनके पास भी पैसा होता था तो लोगों के रुकने के लिए या बुद्धिस्ट जैसे विहार बनवा दिया चैत्य बना दिया तो कई बार ट्रेडर भी पहले मंदिर या कहें कि कोई केव में निर्माण करना ये करते थे तो गौतमी पुत्र सतकर्णी हो चाहे कोई भी सातवाहन किंग हो उनके साथ जनता में जो ट्रेडर थे अमीर लोग थे वो लोग भी जो है बुद्धिस्ट मोंग के लिए कहीं ना कहीं केव वगैरह बनवाते थे और अपना नाम भी लिखवाते थे बाई द वे कि मैंने इतना डोनेशन किया द सातवाहनाज ऑल्सो द फर्स्ट रूलर्स टू मेक लैंड ग्रांट्स टू ब्राह्मणाज ब्राह्मण लोगों को लैंड ग्रांट भी देते थे

सतवाहन एक लोकल ट्राइब थे जो कि आंध्र प्रदेश में थे उन लोगों ने अपने आप को ब्राह्मनाइज कर लिया और इसी कारण जो है चिल्ला चिल्ला के गौतमी पुत्र सतकर्णी कह रहे हैं कि मैं तो ब्राह्मण हूं ऐसी भी एक मान्यता है इसमें इतना नहीं जाएंगे अगेन सोशल ऑर्गेनाइजेशन देखिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं क्राफ्ट कॉमर्स तो इंक्लूज हो रहा था मर्चेंट आ रहे थे आर्टिसन थे ये ठीक है लेकिन यहाँ पे कुछ टर्म है जो आपको याद रखना है मर्चेंट्स टुक प्राइड इन नेमिंग देमसेल्स आफ्टर द टाउन इन विच दे बिलोंग ठीक है जेनरस डोनेशन टू बुद्धिस्ट कॉज ठीक है मेमोरियल टैबलेट वहां पे बनवाते थे अपना कि मैंने इतना डोनेट किया अब यहाँ पे देखिए आर्टिशंस जो थे जो लोग आर्ट वगैरह कर रहे हैं उसमें बड़े इंपॉर्टेंट थे परफ्यूमर्स गंदी तो बोर्ड लगी होती थी ना तो उस पर लिखता था कि ये गंदी जो है इस टाउन का उसने इतना जो है यहाँ पे डोनेशन किया है मंदिर बनवाने में मंदिर तो क्या ही केव पे उस टाइम पे बनती थी चीजें पत्थर की चीजें होती थी तो गंदी कास्ट में गंध है तो याद रहेगा अभी परफ्यूमरी की बात हो रही है किसी ने मेरे पे भी कल जो है सेंट छिड़क दिया तो मैंने बोला गंधिका हो क्या सतवाहन किंगडम से आए हो एट ए लेटर स्टेज द टर्म गंधिका बिकेम में जनरल टू कॉनोनेट ऑल काइंड ऑफ शॉपकीपर धीरे धीरे मतलब सेंट वाली कोई इतनी इंपॉर्टेंस थी कि धीरे धीरे हर शॉपकीपर को गंधिका ही बोला जा रहा है भले वो परफ्यूम ना बना रहा हो द मॉडर्न टाइटल गांधी इज डिराइव फ्रॉम दिस एंशियंट टर्म <laughs> ये ओल्ड एनसीआईटी में लिखा हुआ है मैं कुछ नहीं बोलूंगा इनका कहना है कि जो एंशियट में गंदी का था उसी से गांधी बना हुआ है तो महात्मा गांधी भी जो पहले क्या थे वो भी जो है सेंटमेंट के परफ्यूम का काम करते थे मोस्ट इंटरेस्टिंग डिटेल अबाउट सतवाहन रिलेटेड फैमिली स्ट्रक्चर ये कंफ्यूज नहीं होना है कि माता के थ्रू माता के थ्रू माता के थ्रू प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती थी आर्यन सोसाइटी ऑफ नॉर्थ इंडिया द फादर एंजॉयड द ग्रेट इंपॉर्टेंस जस्ट लाइक आर्यन सोसाइटी ऑफ द एंटायर नॉर्थ इंडिया इट वॉज एंटायरली पेट्रियारकल सोसाइटी ओके, ओनली थिंग इज दैट सातवाहन हाउ एवर शो ट्रेसिसिनियल नाम लेने में मेट्रोनिम बोलते, बोलते हैं उसको सॉरी मेट्रोनिम बोलते हैं इट वॉज कस्टमरी फॉर देयर किंग टू बी आफ्टर हिज मदर मम्मी के नाम पे। आप अपना नाम क्या रखेंगे सातवाहन डायनेस्टी में चल आप लोगों ने बता दिया ओके okay. आप लोगों ने बताया कि एक्सपोर्टर ऑफ सुगर वेरी गुड इंपोर्टर ऑफ कॉटन सो सरप्राइजिंग ना कॉटन, सो सैड ऑल्सो इतनी कॉटन की जमीन इतनी रेगुड़ बीटी कॉटन लगा दिया एक ही तो है एक ही तो जीएम जीएम क्रॉप चल रहा है भारत में दैट इज बीटी कॉटन उसके बाद भी हम इम्पोर्ट कर रहे हैं दुख की बात है करेंट अकाउंट डिफिसिट बढ़ता है आप लोग भी कॉटन के कपड़े पहनना बंद कर दीजिए सातवाइन हाउ एवर शो ट्रेसेज ऑफ मेटेर सोशल स्ट्रक्चर इट वॉज कस्टमरी फॉर देर किंग टू बी नेम्ड आफ्टर दियर मदर सच नेम्स गौतमी पुत्र वशिष्ठ पुत्र इंडिकेट दैट अच्छा आपने ठीक बोला प्रिया वशिष्ठ भी होता है वशिष्ठ पुत्र इंडिकेट दैट देयर सोसाइटी द मदर ए ग्रेट इन इंपॉर्टेंस इतना ही है नाम रखने के लिए इंपॉर्टेंस देते थे ओके okay? कई बार इंस्क्रिप्शन मम्मी भी ही लिखवाती थी नाने घाट का इंस्क्रिप्शन एक मम्मी ने ही लिखवाया है या एक वाइफ ने ही लिखवाया है पेनिनसुलर इंडिया में सन्स नेम इंक्लूड्स ए फादर्स नेम एंड देयर इज नो प्लेस इन इट फॉर द मदर्स नेम आज की सोसाइटी में पेनिनसुलर इंडिया में बच्चों का या इनफैक्ट साउथ में भी चले जाइए तो जो नाम होता है साउथ में भी मेरे कई दोस्त थे साउथ के तो उनके नाम में उनके फादर का नाम था जैसे नाम था आर्या वीसी वहां पर जो वीसी है वो फादर के लिए था मदर का नाम कहां ही आता है अब एस सातवाहन रूलिंग फैमिली बाद बेसिकली पैटर क्योंकि सक्सेशन जो होता था ओनली मेल मेंबर के थ्रू ट्रांसफर होता था नेक्स्ट पैटर्न ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था हुँ? रॉयल आइडियल जो आपके धर्मशास्त्र में लिखे हुए कि ऐसे चलना चाहिए किंगडम उसी को फॉलो करते थे वो बोलते थे कि हम धर्म के रक्षक हैं अप होल्डर ऑफ धर्म डिवाइन एट्रीब्यूट हैं भगवान ने उनको जो है बख्शा है राम भीम केशव अर्जुन इनसे बोला अपने आप को कंपेयर करते थे कि ये तो भीम की तरह हैं ये तो राम की तरह हैं राम राज्य लेकर आएंगे ठीक कहीं ना कहीं लोगों को इम्प्रेस करने के लिए अपने आप को डिवाइन दिखाने के लिए लोग ऐसी चीज़ करते हैं आप समझ ही रहे हैं ये चीज आपको सल्तनत में भी मिल जाएगी जब सल्तनत का रूलर बोलेगा कि हमें सीधा जो है ऊपर से आशीर्वाद आता है और अपनी जब पेंटिंग करवाएगा तो अपने अराउंड एक हेलो भी बनवाएगा हेलो समझते हैं लाइट बनवाएगा मैं भी एक हेलो बनाऊंगा कल से अपने ऊपर ऐसे करके कि भगवान का आशीर्वाद और हाथ ऐसे करके पढ़ाऊंगा चलिए तो अभी भी कर सकते हैं पैटर्न ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भक्त जनों सातवाहन रिटेंड सम एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर म्यूजिक डालूंगा कल से सातवाहन रिटेंड सम एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ अशोकन टाइम जो मॉरन एम्पायर था तो अशोक का जो एडमिनिस्ट्रेशन था ये इन्होंने क्या कर लिया कंट्रोल सी कंट्रोल भी ठीक दैट डिस्ट्रिक्ट वाज कॉल्ड आहरा नाम चेंज हो जाएगा ये अपने डिस्ट्रिक्ट को आहरा कहते हैं अच्छा भाई तो एक चीज पूछूं आहर पाइन क्या है आहर पाइन सिस्टम क्या है हुँ? Hmm? पढ़ना आपके सिलेबस में ठीक है यहां तो आहरा एक डिस्ट्रिक्ट को बोल रहे हैं बट आहरा क्या है पाइन लिखा है मैंने पी वाई एन ई

अपने पूरे जो एरिया है उनको डिवाइड कर दिया मल्टीपल प्रांत में डिस्ट्रिक्ट क्या है डिस्ट्रिक्ट वो चल रहा है कॉपी पेस्ट आहरा लेकिन पूरा का पूरा जो प्रांत बनाया उसको राष्ट्र कहते थे राष्ट्र हाई हाई ऑफिशियल्स वर वो ऑफिशियल में सेम नाम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं महाराष्ट्र ओके इसी से महाराष्ट्र बन गया क्या हुँ? ये एक्सप्लोर करना पड़ेगा इनके जो हाई ऑफिशियल्स थे जो कि पूरे पूरे राष्ट्र पे रूल करते थे उनका नाम महाराष्ट्र का था आज भी इस एरिया का नाम महाराष्ट्र है राष्ट्र से बना हुआ महाराष्ट्र एक चीज बताना भूल गया आपको मिस कर गया ये जो जुन्नार था उसके बारे में तो एक चीज छूट गई मेरे से वन सेकेंड सी इंपॉर्टेंट चीज छूट गई थी जुन्नार पुणे डिस्ट्रिक्ट में पढ़ के मैं रुक गया था आगे बट द सिटी हैज हिस्टोरिक हिस्ट्री डेटिंग बैक टू द फर्स्ट मिलेनियम वो फाइन है आगे सुनिए द नियर बाई फोर्ट ऑफ शिवनेरी वॉज द बर्थ प्लेस ऑफ मराठा किंग छत्रपति शिवाजी महाराज द्रेट छत्रपति महाजी शिवराज वॉज बॉर्न इन पुणे नियर दिस जुन्नार एरिया एंड द फोर्ट वॉज शिवनेरी ये आपको पता होना चाहिए थोड़ी चीज़ें जुन्नार वॉज डिक्लेर्ड फर्स्ट टूरिज्म तालुक इन पुणे तो यहाँ पे काफ़ी कुछ फोर्ट वगैरह हैं इंस्क्रिप्सन है तो लोगों को टूरिज्म भी प्रमोट किया गया है वहाँ पे सरकार की तरफ से वो इम्पोर्टेंट नहीं है शिवनेरी फोर्ट इंपॉर्टेंट था एडमिनिस्ट्रेशन सातवाहन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है कही कहीं ना कहीं फ्यूडल ट्रेड है उसमें होता है ना मनसबदारी टाइप का कि भैया तुम इतना घोड़ा रखो तुमको इतना पैसा मिल जाएगा हमारे एम्पायर को जब भी लड़ाई होगी तो आ जाना इट इज सिग्निफिकेंट डेट सेनापति वॉज अपॉइंटेड बाई अपॉइंटेड प्रोविंशियल गवर्नर जो मिलिट्री का जो चीफ था उसी को प्रोविंस का भी चीफ बनाते थे तो ये पूरा फ्यूडल सिस्टम हो गया ना जो रूलर है जिसको आपने रूल करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए बताया है वही जो है प्रोविंशियल गवर्नर भी है समथिंग लाइक कमिश्नरी

पूरे के पूरे राष्ट्र की बात करें तो वहाँ पे सेनापति बैठा हुआ है रूरल एरिया की बात करें गाँव में जाके तो वहाँ पे जो गांव के लेवल पे जो है वो है कौन गॉल्मिका द हेड ऑफ ए मिलिट्री रेजिमेंट ये भी मिलिट्री रेजिमेंट का हेड है तो जो रूलर है वो हमेशा मिलिट्री रख रहा है इसीलिए इसको फ्यूडल सोसाइटी मनसबदारी टाइप की सोसाइटी में बोल रहा हूँ Nine chariot, nine elephant, 25 horses, ये सब नहीं जरूरी है द हेड ऑफ दिस रेजिमेंट वॉज पोस्टेड इन कंट्री साइड रूरल एरिया टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर अमंग द ट्राइबल पॉपुलेशन एंड द मिलिट्री कैरेक्टर ऑफ सातवाहन रूल इज ऑल्सो एविडेंट फ्रॉम द यूज ऑफ कटक अस्कंदवार इन देयर इंस्क्रिप्शन कटक समझते हैं हम okay. कटक लड़ाई के लिए ही शायद यूज होता है कटका या लड़ाई के लिए आल्टरनेटिव वर्ड है स्कंदवरा आप मुझे बताइएगा स्कंद वरा और कटका का मतलब क्या है मैं ही चेक कर लेता हूं ना <laughs> एक एक पहले लोगों के पास एक लड़ाई के लिए होता था कंटक शोधन आपको पता है एक चीज होती थी कि रथ जैसा चलता रहेगा और चक्का चलते रहेंगे अब चक्कों से बॉल बेरिंग जोड़ दीजिए आप गाय से ही चला लीजिए बैल से ही चला लीजिए कोई इशू नहीं है लेकिन आपका रथ तो चल रहा है पहिया घूम रहा है पहिया से कनेक्ट कर दीजिए एक औजार को आगे निकला रहेगा और उसमें लंबा सा जो है फरसा लगा रहेगा और वो भी गोल गोल घूमेगा तो जो सामने में आएगा उसका गला जो है, तन से जुदा हो जाएगा आपको कुछ बाहुबली मूवी वगैरह में भी ऐसा दिखा होगा दिया है क्या ये तो फिल्म आ गई कोई चलिए छोड़ देते हैं अस्कंद इन्होंने सॉल्व करने की कोशिश की है मिलिट्री कैंप्स, कैंटोनमेंट ओके ओके कटका एंड वर मिलिट्री कैंप्स ऑफ कंटोनमेंट अच्छा वो गूगल कर लिया। सो वी लियावर एंड कटक ये क्या थे मिलिट्री कैंटोनमेंट थे तो कैंटोनमेंट है तो कहीं ना कहीं मिलिट्री के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में और देखते हैं मिलिट्री कैंप थे तो हो तो गया मिलिट्री कैंप एंड ओके नीचे लिखा हुआ तो स्लाइड में आगे सेंटर आल्सो ओके इस पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं ना कहीं बल का प्रयोग किया जाता था क्योंकि इस एरिया में जो लोग रूल कर रहे हैं तो वहाँ के लोग ना ब्राह्मणिकल सोसाइटी से बहुत ज़्यादा अक्वेंटेड नहीं थे तो जबरदस्ती का भी रूल किया जाएगा कई बार खैर टैक्स फ्री विलेज ग्रांट ब्राह्मण को देना बुद्धिस्ट मांग को देना ये सारे काम करते थे कल्टिवेटेड फील्ड एंड विलेजेस ग्रांटेड एंड उसके ऊपर वो लोग टैक्स नहीं लगाते थे और रॉयल जो हैं पुलिस मैन सोल्जर उसको इन्फिल्ट्रेट भी नहीं करेंगे धीरे धीरे क्या होता है कि ये छोटे छोटे एरिया जहाँ पे बिल्कुल रॉयल लोग वहाँ पे इन्फिल्ट्रेट नहीं कर रहे हैं तो इंडिपेंडेंट आइलैंड की तरह डेवलप हो जाएंगे सतवाहन किंगडम में ठीक बुद्धि बुद्धिस्ट मार्ग पर लड़ाई झगड़ा रोकते थे उस जमाने में पैटर्न ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो ये पहले डिस्कस हो चुका है फ्यूडेटोरिज थे ये लोग जो हाइएस्ट था पूरे का पूरा रूलर जो था वो राजा कहा जाता था और राजा ही जो है क्वाइन जारी करवाता था राजा के नाम पर ही खुदेगा अगर कोई फ्यूडल आदमी नीचे पे अपना क्वाइन निकाल देगा क्वाइन निकालने का मतलब ये होता है कि आप अपना इंडिपेंडेंस एग्जर्ट कर रहे हैं असर्ट कर रहे हैं यहाँ पे आप पढ़ेंगे डेक्कन सल्तनत पढ़िए या छोड़ दीजिए वो बंगाल में पढ़िए ना नवाब लोगों को तो बंगाल में भी एक लंबे टाइम तक जो है बंगाल सल्तनत रहा और वो हमेशा डेली सल्तनत के विरोध में रहता था मुगल हम्पायर के विरोध में रहता था और कब पता चलता था कि वो अपने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर रहे हैं जब बंगाल सल्तनत अपना एक अलग से क्वाइन जारी कर दे तब समझ में आ जाता था कि दिल्ली वाले को चैलेंज कर रहा है तो ये यहाँ भी था कि सिक्का कोई और किसी और का सिक्का नहीं चलेगा Second grade was performed by राजा के नीचे कौन महाभोज एंड थर्ड ग्रेड बाई द सेनापति इट सीम्सोरिस्ट एंड लैंडेड बेनिफिशियज एंजॉय सम अथॉरिटी इन दियर रिस्पेक्टिव लोकैलिटीज रिलीजन क्या था मैंने पहले भी आपको बताया कि ये रूलर तो ब्राह्मण थे है ना ब्राह्मणिज्म को सपोर्ट करते थे फ्रॉम द वेरी आउटसेट किंग्स एंड क्वीन्स परफॉर्म सच वैदिक सेक्रीफाइस अश्वमेधा वाजपेय राजसूय सारे ये एनिमल सेक्रीफाइस वगैरह करते थे और अपने आप को असर्ट करते थे कि वो वैदिक सिस्टम में हैं और वो ब्राह्मण हैं वो रूल करेंगे लेकिन इस अच्छा कृष्ण और वासुदेव की पूजा भी करते थे बट सुनिए सातवाहन रूलर्स प्रमोटेड बुद्धिज्म बाय ग्रांटिंग लैंड टू द मॉन्क्स कहने को ये हिंदू थे लेकिन बुद्धिज्म को भी खूब प्रमोट किया और सुनिए

नागार्जुन कोंडा अमरावती आंध्र प्रदेश में जो है ये बुद्धिस्ट कल्चर का पार्ट बने आपको पता है वहाँ पे काफी स्तूप वगैरह मिले हैं आंध्र प्रदेश के एरिया में जो अमरावती है कैपिटल बनने वाला और उसके बगल में नागार्जुन कोंडा यहाँ पे बहुत ज्यादा स्तूप वगैरह मिले हैं बहुत ज्यादा रिलिक मिले हैं ये कहते हैं कि ये बुद्धिज्म यहाँ पे किसने फैलाया तो सातवाहन लोगों ने ही फैलाया और उसके बाद सातवाहन के बाद ये आपको चीज बता देता हूँ ये पूरा का पूरा जो आप आंध्र प्रदेश तेलंगाना का एरिया देख रहे हैं तो ये पहले सातवाहन के अंदर था बाद में यहां पे जो लोकल डायनेस्टी डेवलप होती है वो इक्शवाकू डायनेस्टी है इक्शवाकू लोग भी बुद्धिज्म को प्रमोट करते थे वहां पे सातवाहन भी प्रमोट करते थे इसीलिए आपको नागार्जुन कोंडा अमरावती में स्तूप रेलिक वगैरह सारी चीजें मिलेंगी सिमिलरली बुद्धिज्म फॉरेस्ट इन नासिक जुनार का एरिया भी यहाँ के अभी केव वगैरह में आपको दिख जाएंगी ये यह चीजें यहाँ पे ट्रेडर लोग सपोर्ट करते थे बुद्धिज्म को आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर तो क्या ही होगा लेकिन थोड़े बहुत देखिए पहाड़ों को खोद के चैत्य तो बनवा सकते हैं चैत्य क्या होता है चैत में एक ऐसे शेप बनाएंगे छत बनाएंगे ऐसे जमीन बनाएंगे यहाँ के लास्ट में एक स्तूपर टाइप का छोटा बना देंगे और यहाँ पे लोग बैठ जाएंगे और मेडिटेशन करेंगे ये चैत्य हो गया पूजा की जगह हो गई और विहार क्या होगा एक हॉल बना दिया बड़ा सा उसमें ढेर सारे पिलर हैं छोटे छोटे केव हैं उसमें लोग रह रहे हैं जब बारिश होगी मॉन्क तो वो विहार हो गया तो कई सारे चैत्य सेक्रेट साइन बनाते थे मोनास्ट्री बनाते थे मोनास्ट्री मतलब यहाँ पे विहार की बात हो रही जो कि बिहार में बहुत ज्यादा था तो जब बख्तियार खलजी यहाँ पे आया तो उसने इतने सारे बिहार देखे कि उसने पूरे एरिया को बिहार कह दिया और उसके बाद से वो बिहार हो गया फिर बिहार हो गया कट आउट ऑफ सॉलिड रॉक इन नॉर्थ वेस्टर्न डेक्कन ये नॉर्थ वेस्टर्न डेक्कन के मतलब पूरे के पूरे डेक्कन पेनसुला में जो ग्रेनाइट की पत्थरे हैं ना उसको आप काटेंगे तो कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा आप भी ट्राई करिए कोई ना कोई केव बन जाएगा और बहुत परमानेंट होता है कभी ख़राब नहीं होने वाला है वो लेकिन ऑब्वियस है कि सब में स्किल और पेशेंस चाहिए आपको साल लग जाएंगे राष्ट्रकूट डायनेस्टी ने वो बना दी पूरा का पूरा एलोरा केव बना दिया एक पत्थर से पूरे शिव जी का उतना बड़ा मंदिर बना दिया है ना आप ये बताइए कि जो कैलाशनाथ टेम्पल है आपके एलोरा केव में वो डायनेस्टी के किस राजा ने बनाया था बताइए सतवाहन फेस मिनी चैत्या सेक्रेट साइन ये हो चुका है इनफैक्ट ये जो पहाड़ों में बनाना है श्राइन वगैरह ये सब ना 200 हंड्रेड बी सी का अराउंड ही शुरू हो चुका था और बुद्धिस्ट टेंपल चैत्य और विहार ये दोनों बनने लगे थे चैत्य के बारे में बताया आपको मैंने पहले ही बता दिया कि चैत्य में क्या होता है एक लार्ज हॉल होता है उसमें कॉलम होते हैं एंड विहार कंसिस्ट ऑफ ए सेंट्रल हॉल एंटर्ड बाई ए डोरवे फ्रॉम वराना इन फ्रंट तो विहार में हॉल एकदम ओपन होगा चैत्य में लास्ट में एक शेप बना हुआ मोस्ट फेमस चैत्य इज दैट ऑफ कार्ले वेस्टर्न डेक्कन आपने देखा है कार्ले हम बहुत सुंदर है कार्ले केव्स कहाँ पे लोनावाला महाराष्ट्र के पास है लोनावाला के पास है ये देखिए ऐसे ऐसे हैं इट्स नॉट लाइक like ओनली सातवाहन डायनेस्टी बहुत डायनेस्टी आएगी सब लोग बनवाएंगे यहाँ पे देखिए शुरुआत कब हो रही है शुरुआत हो रही है देखिए सेकंड सेंचुरी बीसी से लेकर फिफ्थ सेंचुरी एडी तक कहानी जा रही है सात सौ साल बन रहा है यहाँ पे सब बनाए जा रहे हैं सब बनाए जा रहे हैं ट्रेड रूट पे है सबके पास पैसे हैं जो जा रहा है एक बना दे रहा है बुद्धिस्ट लोगों के लिए तो इसके आसपास बहुत सारे केव हैं बाय द वे इसी एरिया में आपको नासिक केव्स भी मिलेंगे बेडसे केव्स भी मिलेंगे आर्ट एंड कल्चर में ये सारा आपका मैंशंट है पता है एन की फाइन आर्ट में भी मैप पे देखेंगे तो यहाँ पड़ेगा कार्ली पुणे डिस्ट्रिक्ट में ही है ओके पुणे में डिस्ट्रिक्ट में पुणे डिस्ट्रिक्ट में ही है तो ये आपको कार्ले केव्स मैंने दिखाया वहाँ पे इनके भी प्रमाण हैं चालीस मीटर इतना, इतना इतना ये सब जानने की जरूरत नहीं है मैसिव रॉक आर्किटेक्चर है ओके विहारज और मोनास्टीज वेर एसकुएटेड नियर चैत्यस फॉर द रेसिडेंस ऑफ मॉक कभी कभी यूपी से में ये भी पूछा गया या इस तरह का क्वेश्चन मॉक में मिल जाएगा आपको कि चैत्य और बिहार में क्या डिफरेंस है तो चैत्य पूजा करने के लिए है विहार रेसिडेंस के लिए है रेनी सीजन में एट नासिक देयर आर थ्री विहारज फाइन आर्किटेक्चर वही रॉक कट आर्किटेक्चर आंध्र कृष्णा गोदावरी के डेल्टा में भी इन्हीं का इम्पैक्ट है बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर मिल मिलेंगे आपने देख ही लिया अमरावती और नागार्जुन कोंडा द मोस्ट फेमस ऑफ ऑफ द अमरावती एंड नागार्जुन कुंडा वाज लार्ज राउंड स्ट्रक्चर ये स्तूप ना बहुत डिस्ट्रॉय हो गया सांची का स्तूप जितना बचा है नागार्जुन कुंडा का स्तूप नहीं बचा है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया गया आधा आधा लेके विदेशी खुद टूट अमरावती स्तूपा वाज अमरावतीन टू हंड्रेड बीसी बट वॉज कम्प्लीटली रिकंस्ट्रक्टेड इन द सेकंड इट्स डोम मेजर्ड ये सब डिस्ट्रॉय हो चुका है काफी हद तक अमरावती स्तूपा पे आपको फुल स्कल्पचर वगैरह भी मिल जाएंगे यूपीएससी ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि स्कल्पचर जो है कहाँ मिलेंगे तो आपको पूछेगा महाबलीपुरम में मिलेंगे क्या एलोरा के में मिलेंगे क्या तो आप बताइए वहां पे नागार्जुन कोंडा प्रॉस्पर्ड मोस्ट इन द सेकेंड थर्ड सेंचुरीज अंडर द पैट्रोनेज ऑफ इक्शवाकू नागार्जुन कोंडा का रियल क्रेडिट जाएगा जो बाद की डायनेस्टी आएगी इस एरिया में इक्शवाकूज इसको वो सातवाहन के बाद साउथ में नागार्जुन कोंडा में फॉलो करेंगे सातवाहन के बाद आएंगे इक्शवाकू डायनेस्टी तो वो थोड़ा याद रखें आप बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट भी है कुछ कुछ ब्राह्मानिकल भी जो है चीजें हैं ब्रिक के टेम्पल हैं आर्किटेक्चर अगेन महाचैत्याज नागार्जुन कोंडा फिर आपको वही बार बार मेंशन होगा अच्छा लैंग्वेज क्या थी इनकी बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि इन लोगों की लैंग्वेज चूंकि आंध्र लिखा हुआ है पुरानों में तो तेलुगु हो जाएगी या फिर में भी संस्कृत हो जाएगी नो दे यूज टू स्पीक प्राकृत महाराष्ट्र के एरिया में प्राकृत या एक डिफरेंट फॉर्म चलता था वही प्राकृत वो लोग बोलते थे धीरे धीरे उसी प्राकृत से मराठी निकल गई अब देखेंगे मराठी बिल्कुल हिंदी से मिलती जुलती है ऑफिशियल लैंग्वेज सातवाहन का प्राकृत था इंस्क्रिप्शन जो है उनके इसी लैंग्वेज में लिखे जाते थे ब्राह्मी स्क्रिप्ट में इनफैक्ट लिखते थे जस्ट लाइक अशोक टाइप का चल रहा है मिला बुक्स। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब है यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए गाथा सत्तासाई गाथा सत्तासाई को गाथा भी कहते हैं इसको कहा जाता है कि सातवाहन में किंग हुए थे हाला हल भी बोल सकते हैं हाला भी बोल सकते हैं आपकी मर्जी है उन्होंने लिखा था इसमें कितने वर्जेज थे ये जानने की जरूरत नहीं है बट किस लैंग्वेज में है प्राकृत में और बाद में उसको काफी दिनों बाद ठीक किया गया सिक्स सेंचुरी के आसपास उसको कंपाइल किया गया सो so, गाथा सत्तासाई गाथा सप्त आप जो भी कहना चाहें वो सातवाहन किंग हल ने लिखी थी और इसकी लैंग्वेज जो है प्राकृत है स्क्रिप्ट जो है वो ब्रा सो आई एम डन विद दिस क्लास लेट्स यू वी विल स्टार्ट विद नेक्स्ट चैप्टर कृष्णावन एग्जैक्टली कृष्णावन ने बनाया था हम्म कट्टा कैनस कंदोलन मिलिट्री कैंप पर मैंने नेक्स्ट लाइन देखी नहीं थी साथ में रखना चाहिए था हाँ बाहुबली मूवी में है ठीक है लेट्स गो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग